Let's read this question. The question says, a body falling freely from a given height h hits an inclined plane in its path at a height h. As a result of this impact, the direction of the velocity of the body becomes horizontal. For what value of h by h, the body will take maximum time to reach the ground? Okay, so आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। तो देखिए यहां पर हमको क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए ही होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, और वो भी तब जब मोशन हो रहा है अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी। ओके, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सवाल की। अब हम सवाल पे वापस आते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और मैक्सिमा मिनिमा ऑब्वियस ही बात है। देखिए मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा, कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमा कब होता है, उसका कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम निकालना है। तो अब अगर हम क्वेश्चन पे वापस आए तो देखो, लेट्स सपोज कि बॉडी जो है अभी बॉडी हाइट एच पे है। फिलहाल मान लीजिए बॉडी यहाँ पर है, और ये हम लेट्स सपोज कि ये हमारा जो भी ग्राउंड है, दिस इज कैपिटल एच। ओके, और यहाँ से बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं, बॉडी ड्रॉप हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये किसी इंक्लाइंड प्लेन से टकरा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेंगे, एक मिनट, जब इसको यहीं टक लेते हैं, ठीक है बच्चे। ये देखो, ये हमने बना लिया इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ से टकराने के बाद उसकी जो उसका जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, लेकिन आजीवन तो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट विल लाइक दिस, ग्राउंड पे तो वापस आना ही है। तो लेट्स सपोज कि जब वो इसे कोलाइड हो रहा है तो अर्थ से कितना, यानी सरफेस से, अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, एच हाइट ऊपर है। ओके, कितना ऊपर है बच्चे, एच हाइट ऊपर है। तो अब अगर हम यहां बात करें कि बॉडी जो है यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करी होगी, बॉडी ने डिस्टेंस कवर करी होगी h माइनस एच। तो पहले ये टाइम निकाल लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में लेट्स सपोज कितना टाइम लग रहा है, टी ए टाइम लग रहा है। सो अप्लाइंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसलिए तो हमने बोला है कि कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर s कितना है, यहां पर h माइनस एच है, और u टू जीरो है ना बच्चे, u टू जीरो है तो कितना हो जाएगा, वन बाई टू, और यहां पे अंडर ग्रेविटी है तो g लिख देंगे, और ये हो जाएगा t, इस टाइम को हमने ta लिया है, तो ta स्क्वायर हो गया। तो यहां से ta आ गया, बहुत ही आसानी से ta आ गया, दिस इज टू एच माइनस एच डिवाइडेड बाई जी, लेकिन ये सारी की सारी जो है टर्म्स हैं अंडर द रूट, पहला इक्वेशन नाम दे दो इसको। अब देखिए आफ्टर द इम्पैक्ट, ओके, तो अब बॉडी जो है वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर करेगी मुझे ये बताइए। अभी बॉडी वर्टिकली एच डिस्टेंस कवर करेगी, हॉरिजॉन्टल छोड़िए, वर्टिकली की बात करिए, वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर करेगी बच्चे, वर्टिकली जो एच डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई, ओके, अब फिर से हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे। तो आफ्टर द इम्पैक्ट लेट द बॉडी कवर्स एच वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी बी, यानी इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, लेट्स सपोज टी बी टाइम लग रहा है। तो यहां से देखो एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू जी टी बी का स्क्वायर, वन बाई टू जी टी बी का स्क्वायर। अब देखो यहां पर ऐसा क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इसे कोलाइड हुआ है तो ये कैसा कोलाइड, मतलब जब इंपैक्ट हुआ है इस इंक्लाइंड प्लेन से, तो हॉरिजॉन्टली मूव करने लगा है बच्चे,
और जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो, ठीक है ना भाई। और जो हमारा जो बॉडी है इस इंक्लाइंड प्लेन से कोलाइड होने के बाद, कोलाइड इट मीन्स इंपैक्ट होने के बाद हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इनिशियली अगर हम देखें कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है तो जीरो है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 gtb², यहाँ से tb की वैल्यू भी आ गई हमको। टीबी कितना आ गया बच्चे, टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा √2h/g, इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा यहां से अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए, टोटल टाइम कितना लगेगा तो लिख लेते हैं, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम कैपिटल टी टू रीच, टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड। सो टोटल टाइम विल बी टी ए प्लस टी बी एंड दैट विल बी इक्वल टू √2h - h डिवाइडेड बाई जी। तो आगे अगर हम यहाँ पर टी बी की वैल्यू रख देते हैं तो टी बी की वैल्यू है √2h/g, तो टी बी की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। और अब देखिए मैक्सिमम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम टाइम, फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम डी टी बाई डी एच क्या होना चाहिए बच्चे, डी टी बाई डी एच वुड बी जीरो। तो चलिए एक बार इस टी को एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहां से हमको डी टी बाई डी एच कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो डी टी बाई डी एच हमको मिल जाएगा, देखो यहां से दोनों से ही कॉमन एक कॉन्स्टेंट टर्म निकाल लो, क्या है कॉन्स्टेंट, √2g/, दोनों में कॉन्स्टेंट है, तो इसको तो आप पहले ही बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, ये आपने बाहर निकाल लिया। अब जब ये √h - s का करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2h - s आएगा 1 बाई, देखो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये हो गया, ये स्मॉल एच है बच्चे। और एक बार फिर करेंगे इस वाले टर्म का तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे तो रूट एच है तो यहाँ पे 2√x आ जाएगा, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग गया, ठीक है। और अब इसको करना है किसके इक्वल, जीरो के इक्वल करना है, तो ये भाई साहब उठा जाके जीरो ही हो गए, ठीक है। और वैसे ही समझ लो कि -1/2, और इसको उठा ले जाते हैं, या भी आप समझ सकते हो कि 1/2 को भी हमने जीरो कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -1/√h - h बचा है, और दूसरे साइड भी ले जाता हूँ तो मेरे पास बचा है -1/√h, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, √h - s इज इक्वल टू √h मिल जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, h - h इज इक्वल टू h आ गया, तो h इज इक्वल टू 2h आ गया, तो h/h निकालना है ना, तो h/h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि टाइम विल बी मैक्सिमम, टाइम विल बी मैक्सिमम जब h/h का रेशियो कितना होगा, 1/2 होगा। तो दिस इज द आंसर, दिस इज अवर आंसर।